Rawalpindi Express has left the station. Assalamu alaikum, welcome to Shatuji YouTube channel. और काफी से बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ. आजकल दिल नहीं कर रहा कोविड की वजह से वीडियो बनाने का, लेकिन अगेन पाकिस्तान बामकाबला इंग्लिस्तान शुरू हो रहा है और पाकिस्तान को जो अंडरडॉग किया जा रहा है, जो डार्क हॉर्सेस कहा जा रहा है कि शायद ये टीम शायद ये इंग्लिस्तान से कमज़ोर लग रही है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल कोई नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम माय आईज, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग द ग्लासेस. अगेन आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान टीम को कमज़ोर समझना बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी है, पाकिस्तान के स्पिनर्स पूरे हैं. और जो बात मैंने मिसबा और अजहर के साथ की कल रात को, तो हिंट्स यही मिल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान दो स्पिनर के साथ जाए और पाकिस्तान शायद उनको स्पिन के डिपार्टमेंट में फंसाए. अगेन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझना ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और उनको राइट ऑफ करना मीडिया में और उनको ये ये बताना कि शायद इंग्लैंड पाकिस्तान को विल रन ऑल ओवर देम, ये बात मुझे समझ से बाहर था, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है और यहीं पे पाकिस्तान ने इनको मैच हराए हुए हैं 2016 में. यहीं पे पाकिस्तान ने फेंटा लगाया हुआ है इनको, इंग्लिस्तान को. सो पाकिस्तान अगेन लुक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट पाकिस्तान को एक आधा टेस्ट मैच लग जाएगा, एक आधी दो इनिंग लग जाएंगी, जो बटरफ्लाई फीलिंग होती है वो आती हैं, निकल जाती हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान ज़रा एक सेटल टीम का यूनिट बनता है. सो कॉम्बिनेशन मुझे जो लग रहा है, जो मिसबा की बातों से फीलिंग आ रही थी, मैं टीम तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी मुझे फीलिंग आ रही थी कि इंग्लैंड डिपार्टमेंट जो है, इंग्लैंड जो बैटिंग डिपार्टमेंट है, ये शायद स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलता. तो शायद हम अगेन दो स्पिनर के साथ जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि शायद हम दो स्पिनर खिला दें और वहाँ से को पकड़ लें. तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा पूरा है, बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक है, बैटिंग हमारी अगर सिचुएशन मिली तो, जो अजहर अली से मैंने कहा कि अगर सिचुएशन मिली तो फेंटा लगाएंगे इनको, इंग्लैंड को. उन्होंने कहा जी लगाएंगे फेंटा, क्यों लगाएंगे, जो सेशन हमें मिला रन बनाने वाला तो हम इसमें उसको पकड़ेंगे और रन बनाएंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे. और दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट भी यही कहती है कि जहां पे आप उस सेशन में किसी टीम को पकड़ लें तो वहां उसको आप पकड़ के उसको मारे जरूर और उसको रन बनाए वहां पे और अच्छे पहले रन बनाए. तो यही मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम लुक्स टू बी वेरी अग्रेसिव टीम, और पाकिस्तान टीम को अग्रेसिव होना पड़ेगा. और अगेन आई विश द बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये जो हेजिटेंट होता है बंदा, एक पहले एक आधी इनिंग्स में पता नहीं क्या होगा अंदर जाके, इंग्लैंड कैसा करेगा या पाकिस्तान या क्या हम डोमिनेट ना हो जाएं, जहां पे पाकिस्तान को ग्रिप मिलना शुरू हो जाएगी टेस्ट मैचेस में, जैसे 2016 में मेरे ख्याल में था, तो वहां पाकिस्तान इनको पकड़ लेगा और वी आर मच मच मोर सेंसिबल टीम देन प्रोबेबली अ वेस्ट इंडीज व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एंड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग. सो अगेन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को राइट ऑफ करना या उनको नीचा दिखाना, तो आई थिंक इट्स नॉट सेंसिबल. अगेन पाकिस्तान को यहाँ पे ग्रीन कैप्स को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, अग्रेसिवली प्रूव करना पड़ेगा. अगर डिफेंस भी कर रहे हैं तो अग्रेसिवली डिफेंसिव लाइन में आके बॉल छोड़ना पड़ेगा, ताकि आंखों में आंखें डाल के बॉल को छोड़ा जाए. और जिमी एंडरसन, ब्रॉड, जिनके दरमियान तकरीबन 1000-1200 विकेटें हो चुकी हैं, आप बहुत बड़े बॉलर हैं और आपको ये मानना पड़ेगा कि ये हिस्ट्री के बेस्ट बॉलर्स आए हैं. और इतनी लंबी क्रिकेट खेलना और 15 साल क्रिकेट खेल जाना और एक फिटनेस के साथ खेलना, तो ये तोबा हद ही होगी ना, ये तो हद ही होगी, क्योंकि इतनी लंबी क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल काम है एज अ फास्ट बॉलर. लेकिन देर मीडियम, बट फिर भी भाग के तो आना तो पड़ता ही है. सो हैट्स ऑफ टू ब्रॉड एंड एंडरसन, ये बड़ा ख़तरनाक पेयर है. क्रिस वोक्स जो विकेट ले रहे हैं और ये विकेट लेते रहते हैं,
तो ये भी एक बड़ा ख़तरनाक साइन है पाकिस्तान के। जेफ आर्चर खातर खा कारकर्दगी ना दिखा सके लेकिन डरा सकते हैं पाकिस्तान को। तो बॉलिंग साइड इंग्लैंड की भी बहुत तगड़ी है। जो रूट और बेन स्टोक और सिबले और बर्न्स और क्रॉले, ये सारी चीज़ें हैं इनके पास, लेकिन ये तगड़ा मुकाबला होगा और इस मुकाबले में एक अच्छी टीम इमर्ज होकर निकलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं पाकिस्तान टीम को इमर्ज होना चाहिए। अच्छा, जब इमर्ज होता है पाकिस्तान, या तगड़ा मैच खेलता है, या तगड़ी बैटिंग करता है, या तगड़ा सेशन लगाता है, तो आप इमर्ज होते हैं एज अ टीम। सो मैं ये बार बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने हर सेशन में इम्प्रूव टीम लगना है, बॉक डाउन नहीं होना, और कोशिश ये करते रहना है कि इस टेस्ट मैच से लेकर अगले टेस्ट मैच तक आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन हो। इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हारा, फिर उसने सीरीज पकड़ ली, तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। वी आर स्टैंडिंग विद यू। कैप्टन लुक्स टू बी वेरी पॉजिटिव, मिसबा इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। वो उसको मैंने पूछा था कितने लोग क्यों ले गए, वो कहते हैं भाई हम 43 लोग इसलिए ले गए कि वाइट बॉल के, T20 के, वन डेज के और टेस्ट मैचेस के हम सारे प्लेयर साथ लग गए हैं। हम रेड बॉल की प्रैक्टिस करते, फिर वाइट बॉल की प्रैक्टिस कराते थे, तो हमें लोग चाहिए थे, तो इसलिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। तो खामखा क्रिटिसिज्म का फ़ायदा नहीं है इन लोगों पे। तो कुछ चीज़ें सेंसिबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़े। सो कोशिश हो रही है। वसीम खान आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यूनुस खान का सवाल किया, यूनुस का क्या है, उन्होंने कहा जी बहुत ही मेहनती आदमी है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है लड़कों के साथ, सुबह से लेकर शाम तक वो हर एक बच्चे के साथ काम कर रहा है, बड़ा एडिशनल वैल्यू है। मैं अगेन भी अभी भी ये समझता, मेरी टेक ये है कि उसको अकेडमी का हेड होना चाहिए रादर देन बैटिंग कोच, क्योंकि वो बचपन से उनको सिखाता वो आगे जाए, ताकि बच्चे सीखें यहाँ से अकेडमी से सीख के आगे जाएं, ताकि यूनुस खान बन सकें। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, प्ले अग्रेसिवली, मेक श्योर यू बिकम अ बेटर टीम एवरी सेशन, इन एवरी सेशन। सो कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े अरसे बाद आप टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, आसान नहीं होगा, बट अगर आप फेंटा लगा दें इनको, इंग्लैंड को, मज़ा आ जाएगा। ये सीरीज अगर आपने 2-1 कर दी कहीं से, या 2-0 कर दी, एक ड्रॉ हो जाए, तो बड़ा मज़ा आना है। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान कैन डू दैट। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, डू दैट एंड हैव फन एट द सेम टाइम। दिस इज योर यूट्यूब चैनल, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सॉरी अबाउट द ब्रेक यार, मेरा दिल नहीं कर रहा था 3-4 महीने से वीडियोस बनाने का, सो मैंने नहीं बनाई। सो इसलिए नहीं बनाई कि यार आप लोग भी फंसे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने वो वीडियो ज़रूर बनाई जहाँ पे आपको उम्मीद मिलती रहे, आपको उम्मीद के साथ आपको एक गाइडलाइंस मिलती रहे। मैंने कहा था डेट टोल बहुत कम होगा पाकिस्तान में और एशिया में, तो ऐसा ही हुआ और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी 6,000 डेथ्स हुए हैं। माई हार्ट गोज आउट फॉर द 6,000 डेथ्स टू, लेकिन बट द सेम टाइम यू नो वो नंबर्स क्रेजी नंबर नहीं थे जिनकी एंटिसिपेशन की जाए। अब नाउ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली लो इन द नंबर्स व्हेन इट कम्स टू कोरोना वायरस। सो मैंने पहले भी कहा था हमारे इम्यून सिस्टम तगड़े, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ख्याल रखना एक दूसरे का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखना। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, गो आउट देयर एंड विन इट, टेक केयर। Oh, Pindi Express has left the station.